शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना का संक्रमण देश में बढ़ते ही जा रहा है। महाराष्ट्र में इसका ज्यादा असर दिखाई दे रहा है। ये एक ऐसा वायरस है कि इसकी कोई भी दवा नहीं बनी है। पूरा देश इसके इलाज पर काम कर रहा है, इसीलिए लोगों में कोरोना को लेकर डर है। मगर कोरोना को हराना है तो अपनी रोग प्रतिकारक शक्ति अच्छी होगी, तभी हम इसका सामना कर सकते हैं। इसे देख होम्योपैथी डॉक्टर ढाकुलकर ने शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़े इसीलिए होम्योपैथी औषधि की निर्मिति की है। आर्सेनिक अल्प ये दवाई शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ाती है। ये दवाइयां ढाकुलकर ने कोरोना से बचने के लिए शहर में निःशुल्क वितरित की। केंद्रीय मंत्री श्री श्रीपाद जी नाइक आयुष मिनिस्ट्री की तरफ से होम्योपैथिक दवा आर्सेनिक अल्बम 30 ये रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए एक इम्यूनिटी बूस्टर करके आयुष मंत्रालय ने डिक्लेयर किया है, उसको मान्यता दी है और पूरे भारतवर्ष में आर्सेनिक अल्बम 30 ये दवाई का अलग अलग संस्था, अलग अलग डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट इसको वितरित कर रहे हैं। अभी तक मैंने 38,000 बॉटल्स बनाई जिसमें कि 1,14,000 लोगों तक मेरी दवाई पहुंची। एक बॉटल में 3 लोगों की दवाई है और इससे लोगों की रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ेगी। ये रोग प्रतिबंधक दवाई नहीं है, ये रोग प्रतिकार शक्ति बढ़ाने के लिए काम आने वाली होम्योपैथिक की अत्यंत उपयुक्त ऐसी दवाई है। मेरा लक्ष्य है, अगर मैंने नागपुर में जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, मैंने सब पुलिस स्टेशंस में 200-300 बॉटल्स हर परिवार के लिए, पुलिस बांधव के लिए, बहुत सी नर्सेस डॉक्टर्स इनके यहाँ पर भी वो ये दवाई दिया है। एलोपैथिक डॉक्टर हो, आयुर्वेदिक डॉक्टर हो, उसके बाद नर्स, अलग अलग संस्था, अलग अलग बैंक्स, पोस्ट ऑफिस, ऐसी जगह जाके वहाँ पर मैंने खुद अपने हाथ से इस दवाई का वितरण किया है। तेली समाज हो, कुणबी समाज हो, माणी समाज हो, अलग अलग समाज के लोगों के माध्यम वहाँ पर दवाई वितरित किया है। और झोपड़पट्टी में मैं जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा गरीब जनता रहती है उनके पास ये दवाई पहुँचाने का मैंने ज़्यादा से ज़्यादा काम किया है। मेरी इच्छा है कि ये दवाई और ज़्यादा से ज़्यादा नागपुर में लोगों तक पहुँचनी चाहिए, ये मेरी कोशिश है। मुझे अगर इसमें आर्थिक सहकार्य अगर मिलता है तो मैं पूरे नागपुर शहर में ये दवाई बांटने का मेरा स्वप्न है।